नमस्ते। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों विषय को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इस पर एक वेबिनार कर रहे हैं। सभी विद्या भारती उत्तराखंड के पेज पर जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी को रम्य नमस्कार। हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ डॉक्टर हेमलता भट्ट जी अल्मोड़ा से जुड़ी हैं। स्वास्थ्य डॉक्टर सेवा हेमलता जी, आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं। आपको लगभग 20 वर्ष से सोशल एक्टिविटी में आप कार्यरत हैं और वर्तमान में आप रेड क्रॉस अल्मोड़ा में उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत हैं। हेमलता जी, पुनः स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। हेमलता जी, आप डॉक्टर हैं और पिछला 1 वर्ष तो पूरा देश आप लोगों पर ही निर्भर है। कोरोना वेव वन, उसके बाद टू, जिला चिकित्सालय में काउंसलर के पद पर हूँ और वर्तमान में मैं रेड क्रॉस की उपाध्यक्ष से अलग जी हूँ और 20 इयर्स और 22 ईयर लगभग 22 ईयर्स से कर रही हूँ और जी सामाजिक क्षेत्र जी ठीक। कैसा, मतलब काउंसलर का कैसा अनुभव रहा पिछले हेलो समय में, पिछले पूरे समय में किस प प्रकार का अनुभव रहा? सर जहां तक कोरोना कि में आपका आपने सवाल है क्या, कि जी, जैसा कि आपका सवाल है कि कोरोना के समय में हमारा अनुभव क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी जो इस समय वर्तमान तक का जो अनुभव रहा है वो काफी आ, 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 क्रिटिकल केस हम लोग देखे हैं। यहाँ पर काफी को हम लोगों ने कोरोना संक्रमण से जूझ पिछले 1 साल से चला आ रहा है, तो इस स्थिति में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो ये फेस हमारे सामने आया तो हम सभी लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोरोना क्या चीज है और किस तरह से हम लोगों को घेर रहा है। जब चीन के वुहान शहर से ये वायरस उठ के हमारे पूरे वर्ल्ड में गया तो जब इंडिया में इसका आया तब जब हम स्टार्टिंग में सुन रहे थे कि कोरोना नाम की एक बीमारी चीन से चल के आ रही है तो इसका जो वायरस का संक्रमण जो फैल रहा है वो लग जगह जगह सभी विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। और जब हम लोगों ने टीवी में इसकी न्यूज देखी तो हम लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से ये वायरस लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इसका जब ये संक्रमण की जब दर बढ़ती गई और जब सभी किस्म के शोध होने लगे धीरे धीरे करके कि आखिर ये कोरोना का जो वायरस है वो किस तरह से फैल रहा है और इसके जो वैज्ञानिकों ने खोज की उसका कारण भी पता करने की कोशिश करी, तो इसके बारे में जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को देखा कि किस तरह से वो स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, किस तरह से परिवार के परिवार विदेशों में हो चाहे वो हमारे इंडिया में हो किसी भी मुल्क में हो, तो कोरोना संक्रमण से जो लोगों की मौतें हो रही थी उसका जो एक्सपीरियंस हम लोगों को है, जो भय का माहौल जो लोगों के मन में बन रहा था उसका एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है, जो लोगों ने दर्द सहा है वो सब हम लोगों ने उसको काउंसलर के पद पर परामर्शदात्री के रूप में जब मैंने हॉस्पिटल में चिकित्सालय में भी काम किया और जब मैंने फील्ड में भी काम किया और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इस टाइम जो लोगों की पीड़ा को जाना जो दर्द को जाना, क्योंकि इससे पहले हम लोगों में किसी ने भी इस तरह के बड़े डिजास्टर इसको कहेंगे हम को कभी भी किसी लोगों ने देखा नहीं था अपने जीवन में कि पूरे 100 इयर्स के बाद ये इस तरह का डिजास्टर आया है और वो लोगों को काफी दुख और तकलीफ से जो सहन करना पड़ रहा है वो स्थिति मेरे अनुभव का, तो मैंने बहुत नजदीक से लोगों को देखा है कि किस तरह से वो कोरोना के बीमारी से जूझ रहे हैं। जूझने के साथ साथ उन लोगों को जो मानसिक भय जो मानसिक तनाव उनके चेहरे पर दिलो दिमाग पर हावी हो गया था
एक और हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो भी नियर एंड डियर हैं, जो हमारा पूरा विश्व है इस समय कोरोना संक्रमण की चपेट में है, तो उन लोगों को पहले तो उस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि कोरोना का जो वायरस है वो लोगों के पास तक आ रहा है, हर कोई जो परिवार है कहीं ना कहीं उस परिवार के लोगों को भी उससे संक्रमित होना पड़ रहा है या संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो लोगों को उसके रियलिटी का जब पता चला तो पहले लोग उसको एक बहुत हल्के उसमें लेके जा रहे थे, लेकिन जब वास्तव में जब उनके जीवन पर इसका असर दिखने लगा तो लोगों के अंदर भय, तनाव, इस तरह की चीजें सामने दिखने लगी। और जब मैं फील्ड में जब गई तो मैंने लोगों को देखा कि लोग किस तरह से इसमें इस चीज से परेशान है, तो मैंने उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझाया, उनके साथ काफी चीजें उनको शेयर की कर रही, और उन लोगों को ये बताया कि हमें इस समय जो कोरोना संक्रमण का जो फर्स्ट वेव थी तो उसको हमने किस तरह से उस चीज को समझकर उससे समझौता तो नहीं करना है, लेकिन उस चीज को हमने अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, तो इसके बारे में मैंने लोगों को काफी डीपली बताया कि आप लोगों को इस संक्रमण से यदि बचना है तो सबसे पहले आप अपने मास्क का प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और जो हमारे खाने की जो बाहर की वस्तु है जो हम लोग लेके आते हैं उसको धोना है, हाथ वगैरह धोइए, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर कीजिए, और अगर आप किसी ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी प्रॉपर कोई क्राउड वाली जगह में जा रहे हैं तो उन जगह से बचने की कोशिश कीजिए, और मेडिकल डिपार्टमेंट में यदि आप काम कर रहे हैं तो मेडिकल में फैसिलिटी देते हुए यदि कोई संक्रमण किसी को लग रहा है तो उन लोगों को प्रॉपर तरीके से बताइए कि किस तरह से आपको संक्रमण से बचना है। दूसरी बात, जब हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है, इस स्थिति में जब ये संक्रमण फैला तो इस स्थिति का लोगों के शारीरिक, मानसिक, समाज और आध्यात्मिक स्तर और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आर्थिक स्तर पर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो इस पर जब हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन की स्थिति जब पैदा हुई, फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसी महामारी थी जिसके लिए लोग ना मानसिक रूप से तैयार थे, ना शारीरिक रूप से तैयार थे, ना ही कोई आर्थिक रूप से इस तरह से किसी ने अपना सोचा था कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी जिससे कि समाज में हम लोगों को अपना जीने का अस्तित्व जो हमारा है उसके लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही सारी समस्याएं बनती हुई आई, और पल पल हम लोगों ने मेरे द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, अन्य चिकित्सक द्वारा, अन्य हमारा पूरा टोटल जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी लोगों के द्वारा, सामाजिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सारे समाज के लोग जितने भी लोग हैं सबने अपने अपने तरफ से कोशिश करी कि हम जो जो ये वायरस जितना तेजी जी, आपका आवाज डिस्कनेक्ट। इसी को मैं थोड़ा सा आगे एडिशन करता हूँ। आपने बताया कि आप काउंसलिंग काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं, बच्चों के जी लिए कह सर रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव खतरनाक होगी, ऐसा मीडिया में चल रहा है, तो बच्चों के लिए क्या आप एक काउंसलिंग के नाते क्या उनको सजेशन देना चाहेंगी? सबसे पहले कोरोना की जो थर्ड वेव की बात जहां तक हो रही है, अभी हम लोगों का जो सुनने में, हमारे भी सुनने में भी आया, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी जो चीजें, हेलो हेलो, जी, सुन रहे हैं आपको हम सुनाई आपको। दूंगा। जैसे कि कोरोना की थर्ड वेव के बारे में बात हो रही है तो इसके लिए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि धारणाएं चल रही हैं, जैसा कि एक लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संभावित है कोरोना की लहर, अभी संभावित है ऐसा हम सभी देख रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने के बीच में या कुछ अंतराल में, हो सकता है विदिन 15 डेज के बाद भी, अगर हो सकता है कोरोना की लहर जो थर्ड लहर है वो आ सकती है, ऐसा सभी का मानना है।
और क्योंकि अभी जिस तरह से जनसंख्या का जो हमारा पूरा घनत्व जो बड़ा हुआ है, और जो लोग अभी तक जो घरों पे थे, अपने को सेफ रखे हुए थे, तो जिस कारण लोग बाहर निकल रहे हैं, जैसे हमारे लॉकडाउन की स्थिति बंद हुई, खुल गई है, लॉकडाउन हमारा खुल रहा है, तो लोग भी अब घरों से बाहर निकलने लग गए हैं। और जो उनके एक बात सबसे विशेष जो है वो बच्चों के लिए है, कि जैसे कि आपने पूछा कि बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, जैसे कि आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, हमने भी सब चीज देखा है, और कि बच्चों के लिए ये जो वेव है बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। असल में कोई भी जो रिसर्च है वो अभी इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं बता सकता है कि बच्चों के लिए क्या ये वेव वास्तव में इतनी खतरनाक होगी। इसकी संभावना जताई जा रही है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि कितनी खतरनाक होगी। लेकिन फिर भी जहां तक कि हम लोगों को, हम पेरेंट्स को हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे अन्य कितने भी हमारा समाज हो, सबको अपने बच्चों के लिए अवेयर जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा हमारे जीवन का एक आधार होता है, और बच्चे हैं तभी हम लोग हैं, तभी पेरेंट्स हैं। और क्योंकि बच्चा एक भविष्य है, यदि किसी बच्चे को किसी तरह का तीसरी वेव ने अगर संक्रमित कर दिया, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या बच्चा स्वयं चल के हॉस्पिटल तक जा सकता है? वो नहीं जा सकता बच्चा। तो ऐसे संक्रमण की स्थिति में बच्चे को किस तरह से हम आइसोलेट करें, किस तरह से बच्चे को प्रॉपर तरीके से हम इलाज दें, या पेरेंट्स को हम इतना जागरूक करें, इतना ज्यादा पेरेंट्स को हम हेल्थ के लिए बिल्कुल सजेस्ट करें कि आपको अपने बच्चे को ज्यादा घर से बाहर नहीं निकालना है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन डाइट दें, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट्स दें, प्रॉपर खाना दें, बच्चे को ज्यादा मोबाइल टीवी इस तरह की चीजों से थोड़ा सा दूर रखें, बच्चे को प्रॉपर नींद देनी है, साथ में बच्चे को मेडिटेशन करने के लिए भी बोलें। जिस तरह से बड़े मेडिटेशन करते हैं, उसी तरह से बच्चे को भी मेडिटेशन करने के लिए बोले। और बच्चों की जो आदत है, हम देख रहे हैं आजकल के फेसबुक वगैरह में, अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो होमवर्क है वो ऑनलाइन बच्चों का क्लासेस चल रही है, तो बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासों को उतना ही ज्यादा अटेंड करना है जितना कि उनके लिए कंपलसरी है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सिर्फ होमवर्क तक ही मोबाइल दें, उससे ज्यादा बच्चों को होमवर्क वगैरह ना दें, या अन्य उसके अतिरिक्त बच्चों के ऊपर बोझ ना डालें, और मोबाइल का प्रयोग बच्चों से कम कराएं, क्योंकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि बच्चा जो है वो एक ही पोस्चर में दिन भर बैठा रहता है, वो यदि होमवर्क कर रहा है, क्लास ऑनलाइन पढ़ रहा है, एक तो आंखों पर फर्क पड़ेगा, दूसरा उसको जो क्लास का माहौल मिलना था वो माहौल से बच्चा दूर है, तो उसके समय पूरा पूरा बच्चे के ऊपर पूरा पूरा भार हो रहा है, बच्चा उससे थोड़ा बहुत घबरा भी रहा है, कोई बच्चे इजीली कर भी ले रहे हैं। हर बच्चा, आप मानते हैं कि हर बच्चा एक ही लेवल का नहीं होता है, बच्चे की हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कैचिंग पावर अलग अलग होती है। जो बच्चे 100 बच्चों में, 50 बच्चों में होमवर्क बहुत इजीली कर लेते हैं, वो बच्चे जल्दी कैच करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चे अकेला उस काम को इतना अच्छी तरह नहीं कर पाता है, ये आप भी मानते होंगे, हम भी मानते हैं। तो जी कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर इस चीज से भी फर्क पड़ रहा है। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से, सभी शिक्षकों से ये कहना चाहूंगी, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से ये कहना चाहूंगी, बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चे हमारी जान है, उनको पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ रखें, फुल न्यूट्रिशन डाइट दें, और एक चीज जरूर है, बच्चे को हेल्दी नींद जरूर दें। क्योंकि ओके आज के माहौल में हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ, और क्योंकि मेडिकल मेरा फील्ड है, और जहाँ तक कि मैं सामाजिक कार्य की बात करती हूँ, मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, मेरा खुद का एक एनजीओ है, महिला बाल स्वास्थ्य सेवा समिति करके, मैं बच्चों पर काफी काम करती हूँ। और जहाँ तक कि बच्चों का रहन सहन, बच्चों की आदतें, बच्चों के व्यवहार, बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चे क्या चाहते हैं पेरेंट्स से, बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, बच्चे समाज से क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें हम बच्चों के बारे में जानकारी के साथ साथ काम करते रहते हैं। तो बच्चों के मनोविज्ञान को इस समय समझना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों को समझ जाएं, बच्चों की क्रियाकलाप को हम नोटिस करें, और दूसरा सबसे अहम है, इस संक्रमण काल की स्थिति में बच्चों को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उसके लिए पेरेंट्स को ही सबसे पहले सजग होना पड़ेगा कि हम ऐसे माहौल से दूर रहें जहां पर क्राउड हो, उस जगह को मैं
हम मानते हैं हमारा पर डे की नीड है, हमें बाजार जाना है, सामान लाना है, तो हम अपना एक टाइम टेबल सेट कर ले। जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम टेबल सेट करते हैं, वैसे ही हर अभिभावक अपना एक अपना एक टाइम टेबल सेट कर ले कि हमें हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 3 बार मार्केट जाना है। तो वो उसी हिसाब से अपना एक टाइम टेबल सेट कर ले कि हमें किस हिसाब से मार्केट जाना, किस हिसाब से हमें अपनी ग्रोसरी वगैरह या अपने अन्य मेडिकल सुविधाएं वगैरह लेनी है। तो वो उस तरह का एक अपना टाइम टेबल बना ले। इससे सबसे बड़ा ये रहेगा कि हमारा जो पूरा मास जो बाजार जाता है वो मार्केट उतने अधिक संख्या से, क्योंकि प्रयास एक करेगा तो 1000 उसको फॉलो भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज को हमें खुद से स्वयं से फॉलो करना पड़ेगा। एक रूल हमें अपना जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय और परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने अपना खुद का विकास करना पड़ता है, अपनी सोच। आपका जी माइक जी। जी सबसे पहले हमें यही अपना ध्यान रखना होगा कि हम जी रूल अननेसेसरी हम दबाव ना बनाए, और परिस्थितियों से समझौता तो हमें करना ही पड़ेगा, और अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा। यही सबसे ज्यादा मुझे कहना पड़ेगा कि बच्चों का ध्यान विशेष रूप से रखें, ताकि हम अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़ों को इन संकटों की घड़ी से उबार सकें। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये तीसरी लहर जो संभावित है वो आए ही नहीं। जी जी हिमलता जी, अंतिम प्रश्न। हम एक शैक्षणिक संस्था से कनेक्टेड हैं, तो अगर फ्यूचर में छात्रों को, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अपना फ्यूचर एज ए काउंसलर इन मेडिकल बनाना हो, तो आपका क्या उनको गाइडलाइंस हैं, क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है सर आपका। जैसे कि आपने कहा कि अगर यदि बच्चा मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता है या अपना फ्यूचर मेडिकल फील्ड में दिखना चाहता है तो उसे क्या करना। सबसे पहले अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि जिस तरह से अभी बीमारियों का दौर शुरू हुआ है, आज तक तो हम छोटी मोटी बीमारियों को लेकर चलते थे और उसके लिए हम लोग यही चाहते थे कि जो मेडिकल फैसिलिटी काफी हुई। लेकिन अब इस समय की परिस्थिति के हिसाब से हम सभी लोगों को सोच मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो किस तरह से चेंज होने वाली है, किस तरह से चेंज हो रही है, और किस तरह से हमारे इस पर पूरा उसका फर्क पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यदि कोई बच्चा है, वो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, जैसे 12th 10th के बाद, 9th के बाद बच्चा जो अपने, क्योंकि सोचना बच्चे को पहले पड़ता है, उस समय तत्काल ही नहीं सोचा जाता है कि हमने मेडिकल के फील्ड का विषय चुनना है, या हमें बैंकिंग सेक्टर चुनना है, या इंजीनियरिंग सेक्टर चुनना है, या हमें वकील लॉयर का ये फील्ड चुनना है, या अन्य किसी भी फील्ड में जाना है, उसकी तैयारी पेरेंट्स को और बच्चे को पहले से ही करना पड़ती है। तो जहां तक का बच्चों को अब मेडिकल फील्ड चुनना है, तो मेडिकल फील्ड सबसे पहले से ही बच्चे के पेरेंट्स को खुद उस चीज पर डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप साइंस फील्ड में आ सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो तैयारी करनी है, अपनी पढ़ाई में अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी, एक दूसरा समय रूटीन टाइम टेबल सब फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके है। रही मेडिकल फील्ड में फ्यूचर बनाने की बात, यदि आपको डॉक्टर बनना है तब भी आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से करनी है। यदि आपको स्वास्थ्य सलाहकार यानी काउंसलर बनना है, काउंसलर आप हर फील्ड में बन सकते हैं, चाहे आप सामाजिक सोशल क्षेत्र में काउंसलर बने, चाहे एडवाइजरी क्षेत्र में बने, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में बने, चाहे आप वैज्ञानिक क्षेत्र में बने, एक काउंसलर का, एक परामर्श का जो फील्ड होता है वो काफी बड़ा फील्ड है और एक काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और इसको समझना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपना फ्यूचर बनाना, इस क्षेत्र में काफी संभावना है, मेडिकल के फील्ड में भी इसकी काफी संभावना है, तो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में बच्चे को यदि मेडिकल फील्ड चुनता है और ये फील्ड चुनता है तो भविष्य उसका काफी उज्ज्वल
होगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी का ज्यादा चलन भी है, और ये क्योंकि अब नीड है, क्योंकि इस समय हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी भी है, कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो कमी है वो अभी हम लोग इस समय देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जो बच्चे हैं वो मेडिकल की भी तैयारी करें, और क्योंकि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति दवा से या किसी अन्य मेडिकल फैसिलिटी से उसका जीवन बर्बाद ना हो, तो उसके लिए मैं यही उम्मीद करूंगी और यही कहूंगी कि मेडिकल की फील्ड की तैयारी करिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी की सेवा करेंगे तो बदले में आपके हजार हाथ दुआओं के लिए खुले होंगे। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि तैयारी करिए, बच्चों के लिए विशेषकर बहुत जरूरी है वो मेडिकल। ठीक है, हेमलता जी, धन्यवाद सर। आपने सभी जो हमारी बेसिक प्रश्न थे, जिसको सभी लोग जानना भी चाहते थे आज के समय में, उसका हम लोगों को भरपूर आंसर दिया आपने। इस सत्र के लिए समय दिया, इस प्लैनेट टॉक लाइव सेशन के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद अदा करता हूं।